फिर भी आज है सावन का दूसरा दिन, सावन का दूसरा दिन है और आज भी हम बोले फास्टिंग में मत रहो। रात से ही बुखार आया है, रात से ही, फिर आज बाहर दिन। अभी देखे तबीयत कैसा है, ये देख सकते हैं भाई लोग, अभी इनका तबीयत थोड़ा सा ठीक है। और भाई बस हरासमेंट के कारण ही ऐसा कुछ हुआ, हुआ कुछ नहीं, बस धूप में इधर उधर कभी कर थोड़ा सा ठीक ठीक ठाक होती है तो यही तुम्हारा है ना, ये नीचे ऊपर। नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग, और आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। और देख सकते हैं भाई, और हम वही पुराना वीडियो सभी जो हमारे चैनल पे पड़ा है बस वही है, अभी हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं। बस कारण ये है कि अभी रूपतारा जी उधर से आई काली, जैसा कि आप लोग जान रहे थे, हम लोग सभी आदमी गए अमरनाथ भाई का, वहाँ एकदम सब आदमी शामिल हुए थे, बेटी हुई थी हमें, खुशी सब मनाए। और वहाँ से जब आए तो उसके बाद रूपतारा जी का तबीयत देख सकते हैं कैसे ख़राब हो गई, हरासमेंट इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि इनका तबीयत ख़राब हो गई, समझे, मतलब थक गई, हरासमेंट इतना ही, मतलब होता नहीं है धूप में इधर उधर बहुत ज़्यादा चलने फिरने के कारण से थोड़ा सा थक गई रूपतारा जी, देख सकते हैं है ना, और बुखार लग गया। और आज फिर भी आज है सावन का दूसरा दिन, सावन का दूसरा दिन है और आज भी हम बोले फास्टिंग में मत रहो। रात से ही बुखार आया है, तो रात से ही, फिर आज बाहर दिन ही सोई है जहाँ की तहीं है। हम अभी फिर काली गए, काली से घूम फिर के आए, मतलब काली वही अमरनाथ भाई यानी विष्णु भाई के गांव का नाम है काली, तो हम वहीं गए थे और वहाँ से घूम फिर के हम फिर चले आए। और देख सकते हैं इनका आए तभी से बस सोई ही सोई है। और अभी भी हम क्या किए, कल वाला जो वीडियो वगैरह था तो हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए भाई। दरअसल बात ऐसा है कि यही कारण है, जैसे ही हम लोग थोड़ा सा खुश, मतलब थोड़ा सा भी हम खुश होना चाहते हैं, और हमारे सहपाठी यानी हमारे जितने भी यार दोस्त हैं ये बात सबको पता है, जैसे अभी हमारा चैनल एकदम डाउन हो गया है, और जैसे ही हमारा चैनल उठना स्टार्ट होता है कुछ ना कुछ इनको हो जाएगा, कभी कुछ हमको हो जाएगा, कभी बीमारी हो जाएगा, कोई बात का टेंशन हो जाएगा भाई। यही चीज़ अभी हमारी ज़िंदगी के साथ चल रहा है, क्या है किस्मत में, क्या भगवान लिखे हैं, क्या कैसे है कुछ नहीं बता सकते। तो वैसे ही सोचे, जैसे अभी अमरनाथ भाई का वहाँ थोड़ा बहुत वीडियो चला और अच्छा से हम लोग वीडियो बनाए और अच्छा व्यूज भी आया, और सब लोग एक साथ रहने से, एक साथ वीडियो बनाने से आप लोग भी जानते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन हुआ क्या कि भाई वहाँ से आने के बाद हमने सोचा घर जाते हैं फिर वहाँ अच्छा से वीडियो वगैरह बनाएंगे, यहाँ आने के बाद रात से ये पड़ी हुई है आराम से, बुखार वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, देख सकते एकदम एक ही दिन में इनका शक्ल देख सकते एकदम चोचा नियर मुँह हो जाता है, कल तक देखिए ना कि एक ही दिन में शक्ल कैसा हो जाता है। इनको कहते हैं टाइम टाइम पे खाओ, टाइम टाइम से यानी ऐसे फूल जाओ कि मत फूल जाओ, इतना आदमी को देखते हैं खा पी के एकदम मोटा के एकदम ये रहती है। इनको देख सकते हैं हड्डी हड्डी, पता नहीं क्या खाएगी क्या ही करेगी जो ही मोटाएगी, भगवान जाने, मगर स्थिति ऐसा खराब हो। उठो अभी टहलो फिर थोड़ा सा मन फ्रेश होगा। बताइए अभी कितना बज रहा है, ये देखिए 5:38, यहाँ देखिए अच्छा देखिए यानी 5:38 हो चुका है, और रात भर और दिन भर अभी तक ऐसा है बिस्तर नहीं छोड़ी हुई है, हम क्या बताएं भाई लोग। और इधर एक और देखिए आदमी को जो हद से ज़्यादा परेशान करने वाला यही शख्स, यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये तुम ही ना है रे, तुम ही ना मम्मी को परेशान करने वाला है, तुम ही है ना, ए आदर्श तुम ही हो ना मम्मी को परेशान करने वाला है, ये देखिए यही इतना ज़्यादा भाई परेशान करता है, इतना ज़्यादा दौड़ के इधर दौड़ के इधर, एक ये भी आदर्श, रणवीर इधर आओ, रणवीर इधर आओ, और इनको देख लीजिए अच्छा देखिए, ये दिन रात मोबाइल 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 का कीड़ा है, इसको हॉस्टल में इसको डालना पड़ेगा, ए पड़ेगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी पढ़ता है वो, हाँ क्या हुआ, अब वो देखिए छोटका क्या कर रहा है, क्या कर रहा है रे, ये भी कर रहा है, ये भी पढ़ता है, पढ़ता है देखिए सारे भाई, ए मम्मी को परेशान करने वाला तुम ही ना है, हाँ बताओ सुन रहा है, मम्मी को परेशान करने वाला तू ही ना है, हाँ
देखिए जानबूझ के कैसे चलता है। खैर कोई नहीं, रुपतरा जी उठो, सबसे पहले उठ के मुँह हाथ धो, उठो उठो ना पराग से उठो यार, 5-6 बजे तक वैसे सूतल रहती है, हद कर ले। किस्मत में बाबू जो लिखा हुआ वो तो होना ही होना है। और भाई हमारे साथ हमारे बड़े भाई भी अभी यहीं हैं, और हम हैं, हमारे रणवीर बेटा हैं, यानी कि हम लोग पहले 2 थे यहाँ, अभी 5-6 आदमी हम लोग हैं, पूरा परिवार, पूरा फैमिली है, 2 आदमी कम है, मम्मी पापा, बस मम्मी पापा नहीं है, और भाभी वगैरह भी आई थी, वही क्या कहते हैं उनके इसमें, क्या कहते हैं अमरनाथ भाई, अरे बढ़िया बिस्कुट है, अभी फाड़ के दिए थे। बेटा कितना शानदार बेटा है तुम्हारा, पहले मुँह हाथ धो लो, पहले पराग से मुँह धो, पहले मुँह हाथ धो लो पराग से, फिर उसके बाद ही करो। और अभी चाय वाय बन रहा है ना, ये देख सकते हैं, मुँह धो लो, बराबर मुँह धो, ब्रश करो, क्या अभी देखे तबीयत कैसा है, ये देख सकते हैं भाई लोग, अभी इनका तबीयत थोड़ा सा ठीक है। और भाई बस हरासमेंट के कारण ही ऐसा कुछ हुआ, हुआ कुछ नहीं, बस धूप में इधर उधर, कभी कार में बैठ के एसी का हवा लगाना, फिर एसी से बाहर निकलना, यही सब कारण से इनका जो है ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, अदर कुछ नहीं है। और देखिए ना कैसे दुबला के चोचा हो गई है, खाना पीना पे भी विशेष ध्यान नहीं देती है, चोचा है ना, चोचा कहते हैं जी हमको, तो हुई गई है, चोचे हो गई है तू तो, उधर चाय वगैरह बन रहा है, और शाम के टाइम में भी चाय वो बन रहा है। तो देखिए क्या हुआ बेटा, बस करो बस करो बस करो, देखिए स्टैंड कर रहे हैं हमारा आदर्श, क्या कहते हैं वो रणबीर, रणबीर ऐ क्या है जी जी, देख सकते हैं तुम स्टैंड कर रहा है उधर से, वो देख रहा है, छोड़ दो बस करो, इधर हमको चोट लग जाएगा है ना भाई, तो वही दिक्कत सब है भाई, अगर कोई चीज का ही नहीं है भाई, बहुत ज्यादा यही प्रॉब्लम है। बहुत लोग भाई ये भी कहते हैं कि विकास भाई थोड़ा बाहर निकल के वीडियो वगैरह बनाया करो, विकास भाई थोड़ा बाहर निकल के वीडियो बनाया करो, कहाँ बाहर निकले, कहाँ क्या जाए भाई, इतना स्थिति खराब है अभी टाइम पे कि यार, परिवार एकदम ठीक हो तब ना यार, जैसे ही थोड़ा सा ठीक होता है, रूपतारा जी का तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा खराब होता, कुछ नहीं पता नहीं, चेकअप वगैरह करवाते इससे पहले डॉक्टर साहब को दिखवाए तो बताया सूजन, तो सूजन का इलाज चला, फिर हम फिर उससे पहले आप लोग देखे, फिर इससे पहले आप लोग देखे कि हमारा पथरी का इलाज चल रहा था, फिर उसके बाद वो भी हुआ, धीरे धीरे पथरी अभी ठीक हुआ नहीं, सूजन ठीक हुआ नहीं, फिर उनको बुखार पता नहीं, दिमाग का ही रहता, अच्छा बस यहाँ रोड पे खड़े रहते हैं और यहाँ से बस देखते रहते हैं कौन जा रहा है कौन आ रहा है, बस इसके अलावा भाई क्या बताएं, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, जिंदगी में पता नहीं क्या है नहीं है, और विशेष रूप से घर तो कुछ हो तो मम्मी को बताएं, ऐसा कुछ नहीं है, घर रहते थे तो हमारी मम्मी थी जो एकदम कुछ होता था तो यार सर पे उठा लेती पूरा घर को, यहाँ तो भाई हम अकेले हैं और बहुत ज़्यादा दुख है। और देख सकते हैं ये कहाँ चली, देख सकते हैं गला सा बच्चा फेंक दे, रुपतरा नीचे जा, थोड़ा सा ठीक ठाक होती है तो यही तुम्हारा जो है ना ये नीचे ऊपर चलने फिरने से हालत हो जाता, ठीक है जाओ आराम से जाके जल्दी आओ, वही बात है भाई लोग। और अभी मम्मी तो है ना, मम्मी को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि मत पूछिए। खैर बहुत जल्दी हम घर चले जाएंगे, और क्योंकि मम्मी का बहुत याद ज़्यादा आता है हमको, बहुत ज़्यादा, और बात हमारा होते रहता मम्मी से हमेशा, फिर भी याद तो याद है, परिवार तो परिवार है, माँ बाप कभी ज़िंदगी में किसी का छूटा नहीं है, और जो माँ बाप के बिना हो वो इंसान नहीं है, है ना, यहाँ खड़े रह के अब बुलाते रहता, आदर किनको बुला रहे हैं, ये भर दिन खड़ा रह के बस, अरे उधर उतरो, उधर देख सकते हैं कहाँ जी नहाने जा रहे हैं जी, अभी घूम के आएगा तब नहाएगा, घूमने जा रहा हूँ,
अच्छा जाइए इधर चौराहे वगैरह पूरा घूम फिर के आइए, कहाँ एक ही जगह बैठे रहिएगा तो मन लगेगा जी। ये भी है जो अकेले भाई साहब बैठे रहते हैं, इनको भी क्या होता है मन वन नहीं लगता है ना, तो घूमे फिरे इंसान को कहाँ मन लगने वाला है। इतना ज़्यादा भाई गर्मी का मौसम है का क्या ना बताया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इधर वीडियो वीडियो भैया अभी बना रहे हैं, इधर दोनों बेटा हमारा खेल रहा है। चलिए कोई नहीं भाई, आप लोग से फिर मिलते हैं। आ गए हैं, चलिए रूप तारा जी भी उधर से आ गई। चलिए